कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है, इस चीज़ का पता कैसे चलता है? ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का पता चलता है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि किस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसी है। ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे हम उसको एसिडिक या फिर बेसिक क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्ट्रॉन्गली एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर तक हो सकती है। ठीक है, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जबकि जो स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं उनमें ये कंसंट्रेशन 1 × 10⁻¹¹। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की हो सकती है। ठीक, अब स्ट्रॉन्गली एसिडिक से लेकर स्ट्रॉन्गली बेसिक तक, ठीक है, बहुत सारी वैल्यू लाई करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज हमारी लाई करेंगी, 1 × 10⁻¹¹, 1 × 10⁻¹¹। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू लाई करेंगी, तो ये जो कैलकुलेशन होगी बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 × 10⁻¹¹ को क्योंकि आप याद रखोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, इनकी बेसिस पे जितनी कैलकुलेशन होगी वो बड़ी प्रॉब्लम देंगी। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन, ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, सोरेनसन ने क्या कहा था, सोरेनसन ने सजेस्ट किया था एक इजी मेथड टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और उनका जो मेथड था वो था पीएच के बेसिस पे। ठीक है, पीएच के बेसिस पे उन्होंने पीएच दिया था। ठीक है, कि पीएच क्या होता है हमारा, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसका माइनस लॉगरिथम। ठीक है, इसके बेसिस पे हम पीएच वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, तो आपको एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पीएच याद करने की जरूरत है। पीएच क्योंकि एक सिंपल नंबर हो सकता है 6.8, 7.8 इस तरह का। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बाद में निकाल सकते हो। ठीक, अब इसी पीएच का यूज़ करके हम एक पीएच स्केल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी पीएच का यूज़ करके एक पीएच स्केल का डिज़ाइन भी किया गया। ठीक है, अब ये हमारा पीएच स्केल है। ठीक है, जो पीएच स्केल होता है वो हमारा लाई करता है 0 से 14 तक। ठीक है, पीएच स्केल लाई करता है हमारा 0 to 14। ठीक है, 0 से 14 तक। ठीक, जो 0 होती है, ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं। 0 से जब हम बढ़ते चले जाते हैं 7 की तरफ, तो 7 हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पे हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा वाटर, जो ना कि एसिडिक है और जो ना कि बेसिक है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे बेसिस आ जाते हैं और 14 पे हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। ठीक है, अब आप एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देख सकते हो स्ट्रॉन्गली एसिडिक वाली जगह पे हमारा, यानी 0 पे, जिसका पीएच 0 होता है वहाँ पे 1 मोलर होती है एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस पे कितनी होती है, 1 × 10⁻¹⁴ मोलर होती है, जबकि न्यूट्रल पे 1 × 10⁻¹⁷ होती है। ठीक है, तो ये थी बात हमारी पीएच और पीएच स्केल के बारे में।